जिन्होंने कन्फ्लिक्ट देखी है, जिन्होंने चीमा साहब एक लेवल पे वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो अमेरिका की भी नहीं है, वो रशिया की भी नहीं है, वो चाइना की नहीं है, पाकिस्तान किसी और मुल्क की नहीं है जितनी इंडिया की है। शेयर कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग इन माउंटेनियस एरिया एक तो कर लेता है, किस तरह का जहाज आता है ये ढूंढ रहे राफेल को। मैं आपको सच बताऊं, ये ढूंढ रहे राफेल को, हम राफेल उड़ा नहीं रहे। से मैंने लास्ट टाइम बताया था मिराज 2000 और जैगुआर उड़ा रहे। मिराज जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। चाइना जिस तरह से ताइवान को लेकर अब पिछले कुछ दिनों में अपनी आक्रामकता दिखा रहा था, वह अब बिल्कुल ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। और वह सब धमकियां चाइना की जो नैन्सी पॉलिसी के दौरे को लेकर चाइना दे रहा था, वह सब खोखली निकली। और इससे अब चाइनीज सरकार की चाइनीज लोगों के बीच में पूरी तरह से जमकर किरकिरी हो रही है। वही चाइनीज मीडिया इसका कहीं जिक्र तक नहीं कर रहा है। बात दुनिया भर की मीडिया में अब चाइना की बहुत ही ज्यादा इसके वजह से किरकिरी हो रही है। और एक तरफ जहां अमेरिका और भारत मिलकर दोनों बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो चाइनीज के इससे भी पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और चाइनीज आए दिन नई नई तरकीब लड़ाके इसकी रेकी एक तरह से रेकी करने की भी कोशिश कर रहा है। और जिस तरह बॉर्डर के आसपास आए दिन चाइनीज अपने फाइटर प्लेन उड़ाकर एक तरह से इनकी सारी तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी चाइनीज को कोई भी ऐसा मौका नहीं दे रही है कि कहीं कोई चूक हो जाए। और जिस तरह अब इंडियन आर्मी की तैयारियां आए दिन बॉर्डर पर स्ट्रांग होती हुई जा रही है, उससे भी चाइना को एक खौफ सता है। और ताइवान के मामले को लेकर तो चाइनीज बिल्कुल अब ठंड आए दिन दिनों दिन ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो तीन अलग अलग वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप लेकर आए हैं। तो अगर खासकर हम आप चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में जितनी भी पाकिस्तानी मीडिया में जितनी भी डिबेट होती है, उसके हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहते हैं। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए आने वाले समय में एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो। व्यूअर्स के लिए बताइए। देखिए आजू जी, मैं थोड़ा रेफरेंस लूंगा अपने लास्ट वीडियो जो हमने आपके साथ किया था, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया आजू जी कि ये जो देखिए एलएसी के पास एक से जो एंग्रेसी है उसके 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर एक जोन होता है, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग जोन कहते हैं, क्योंकि आप उसमें अपने जहाज नहीं लाएंगे, उसके आसपास नहीं लाएंगे, मतलब एलएसी पे ही नहीं, 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर। अब देखिए जहाज के लिए 10 किलोमीटर की दूरी एक फाइटर जेट के लिए कुछ नहीं होता, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड रादर। अब उसमें क्या होगा, अगर आप यही कॉन्सेप्ट देखेंगे, ताइवान में भी एक मीडिया लाइन थी जो 12 माइल्स फ्रॉम ताइवान कोस्ट थी, कि आप उसके पास ना आपका जहाज आएगा ना आपका हवाई जहाज आएगा ना आपका समुद्री जहाज आएगा, ये एक मतलब बफर जोन सा मान सकते, इसको आसान टर्मों में समझा जाए। अब क्या चाइनीज कर रहे थे, ये पीछे बार बार J8 और J12 उड़ा रहे थे। अब J8 और J12 बेसिकली क्या है, जो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इट इज अ चाइनीज वर्जन ऑफ MiG-21। MiG-21 को पुराना बताते हो तो खुद समझ लीजिए चाइनीज MiG-21 कितना पुराना और कितना आउटडेटेड है। और J12 को इन्होंने काफी साल तक ग्राउंड भी किया था, इट्स अ वेरी अनरिलायबल मशीन। अभी उनको क्या उड़ा रहे हैं, ये आपने अगर देखा होगा जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था, ये केवल एक चीज के लिए उड़ा रहे हैं, जब भी उड़ाते हैं उस जोन में ले आते हैं और वापस निकल जाते हैं। कारण क्या है, ये एलएसी के पास तक नहीं लाते, उस जोन में आते हैं, हमारी तरफ नहीं आते, पर उस जोन में जहां हमने एग्री किया हम नहीं फ्लाई करेंगे वहीं फ्लाई करते हैं। अब ये वापस क्यों जाते हैं, वापस ये जाते हैं कि इन्हें ये चेक कर लो था कि इंडिया की तैयारी कितनी है, इंडिया के पास जहाज कौन सा है, इंडिया कितनी देर में अपना जहाज ऊपर कर लेता है, किस तरह का जहाज आता है, ये ढूंढ रहे हैं राफेल। आपको सच बताऊं, ये ढूंढ रहे राफेल को, हम राफेल उड़ा नहीं रहे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था मिराज 2000 और जैगुआर उड़ा रहे। मिराज और जैगुआर के बारे में इन्हें मोटा मोटा सब स्पेक्स पता है, बट एक और चीज होती है आजू जी, इन प्लेनों को विद एवरी टाइम अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड में इसके पास नई कौन सी चीजें आ गई, इसका रडार की रेंज कितनी बड़ी, इसमें कौन सा नया वेपन सिस्टम आ गया, और ये अपग्रेड बहुत महंगे होते हैं, इट माइट बी इवन इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द कॉस्ट। अच्छा, ये अपग्रेड अब कस्टमाइज्ड होता है, अपग्रेड ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज होगा, एक बेसिक चीज हर एक में होगी, उसके बाद जो अपग्रेड कराओगे वेरी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे सुखोई MK-31, MAC-31 कहते हैं, सुखोई MK-31 वो सिर्फ इंडिया के लिए बनाता है, और किसी को नहीं देता, उसके जो भी फीचर्स है दे आर वेरी स्पेसिफिक टू इंडियन एयरफोर्स डिमांड। वैसे जो हमने इनमें अपग्रेड कराए वो हमारे लिए हमारे स्पेसिफिक नीडों के हिसाब से कराए। तो एक तो इन्हें पता लगता कि इसमें जैसे अगर हम कितनी जल्दी ऊपर आते तो हमारे रडार सिस्टम कितने ज्यादा है, कितनी दूर से हम चाइना का प्लेन पकड़ पाते, तो हमारा जो रडार सिस्टम नया है वो 500 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर या 800 किलोमीटर का, हमारे नए वेपन सिस्टम्स क्या, हमारे सेंसर सिस्टम कैसे चलते हैं, इस सब चीज का आकलन करने के लिए बार बार इन्हें डिकॉयज कहते हैं या बोगीज कहते हैं, इनको बार बार ही उड़ाते हैं। चल रहा है अभी, ये पहले भी चलता आ रहा है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है और जो उसकी लोकेशन है
दिस इज मैसेजिंग टू चाइना, ये एक मैसेजिंग है चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साहब ये अब जारी बात है, एक बड़े पैमाने पे ये ड्रिल्स हो रही हैं, आप क्या समझते हैं इसमें क्या कोई इंडियन फौज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है? ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती रही है, ये क्या उसकी भी कोई मैनिफेस्टेशन इसमें होगी? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बीका जैसे एग्रीमेंट जो है, वो बेसिक एक्सचेंज जैसे एग्रीमेंट जो है, वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुए हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं बेसिकली ये क्या इस इन एक्सरसाइजेस से जो है वो इंडियन फौज को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और वो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें भी कुछ चीज है इसमें, या कि आप समझते हैं कि इसकी कि बस स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि हाँ भाई 3000 फुट पे जो मीटर पे हम खेल कर रहे हैं इसको, तो इसको बस उसी एंगल से देखा जाना चाहिए, आप इसको कैसे इस हवाले से देखेंगे? चीमा साहब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की नहीं है, अमेरिका की कैपेसिटी बिल्डिंग है। उसका रीजन है कि इंडिया के जो हमारे पास जो माउंटेन डिविजन्स हैं, जितने हमारे ट्रूप्स हाई अल्टीट्यूड में हैं आज की तारीख में, उतने दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जिसके इतने वेल ट्रेन ट्रूप्स हाई अल्टीट्यूड में हैं। 1984 से हमारे ट्रूप्स सियाचिन ग्लेशियर प्रॉपर में है, प्रॉपर ग्लेशियर पे हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे ट्रूप्स हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के कई एरियाज हैं जो कि हाई अल्टीट्यूड एरिया में हैं, एलओसी के, एलएसी के। तो जितने इंडिया के माउंटेन डिविजन्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जो कि ब्लडेड इन बैटल हैं, जिन्होंने कन्फ्लिक्ट देखी है, जिन्होंने चीमा साहब एक लेवल पे वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो अमेरिका की भी नहीं है, वो रशिया की भी नहीं है, वो चाइना की नहीं है, पाकिस्तान किसी और मुल्क की नहीं है जितनी इंडिया की है। शेयर कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग इन माउंटेनस एरियाज, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है, और कई ऐसी चीजें हैं नेवी में जिसकी खबर आ रही है कि अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें शायद ड्रोन्स की भी बात चल रही है और अलग अलग चीजों की बात चल रही है, इन विच अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बट दिस इज ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अमेरिका, बिकॉज अमेरिका को यह बताना कि चाइना से अगर लड़ना है तो चाइना इज वल्नरेबल। ये जो ये मानना है ना कि चाइना इज वल्नरेबल ओनली इन द ओशन, इट इज नॉट वल्नरेबल इन द माउंटेन्स, ये गलत है, ऐसा नहीं है। एनीबडी कैन बी, इंडिया कैन बी वल्नरेबल इन द माउंटेन्स, पाकिस्तान कैन बी वल्नरेबल, चाइना कैन बी वल्नरेबल, वो तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। और माउंटेन्स में चीमा साहब जो असली चीज जो वो होती है, असली जो परेशानी होती है माउंटेन्स में, इट्स नॉट फाइटिंग और ऑक्यूपाइंग ग्राउंड। माउंटेन्स में हाई अल्टीट्यूड में असली चीज लॉजिस्टिक्स है। यू नो एनी आर्मी दैट कैन मैनेज लॉजिस्टिक्स इन द माउंटेन हैज वन द वॉर। और हमारे लॉजिस्टिक्स इस मामले में चीमा साहब, इट्स हमारी जो लॉजिस्टिक्स ट्रेन है या इकोसिस्टम है लॉजिस्टिक्स का, चाइना तो अभी अभी आई है ना, 2.5-3 साल पहले उनके तो बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोल कर रहे। चाइनीज आर्मी तो अभी आई है, स्टैंड ऑफ तो अभी हुआ है, पहले वहां पे बॉर्डर गार्ड्स थे, चाइनीज आर्मी तो पीछे थी, हमारी आर्मी तो वहां पे 50-60-70 साल से लगी हुई है वहां पे माउंटेन्स पे। तो आर सिस्टम्स फॉर माउंटेन वॉरफेयर आर 50-60-70 years ओल्ड, सो वी हैव दैट मच मोर एक्सपीरियंस इन फाइटिंग इन द माउंटेन्स। हैविंग सेड दैट चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सॉलिड मैसेज है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, और मतलब इवन इन चाइना, बिकॉज द चाइनीज आर्मी हैज नॉट फॉट इन दीज हाई एल्टीट्यूड्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। 62 के बाद, 1962 के बाद कुछ लेवल 67 कह सकते हैं, विच वॉज अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट नाथुला के आसपास, मैं उसको मैंशन अभी नहीं करूंगा, बट चाइनीज आर्मी लड़ी नहीं है चीना सब इस हाई एल्टीट्यूड पे, दे हैव नॉट अटैक्ड। इवन इन कारगिल वॉर, इवन इन कारगिल पाकिस्तान डिफेंडेड, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करी थी हाइट्स, और उसके बाद असॉल्ट इंडियन आर्मी ने करा था, द असॉल्ट वॉज इंडियन आर्मी। सो चाइनीज आर्मी डज नॉट हैव द अटैक इन माउंटेन्स जो है ना चीमा साहब, ये अपने आप में एक पीएचडी थीसिस का एक टॉपिक है, अटैक इन माउंटेन, डिफेंस इन माउंटेन्स, लॉजिस्टिक्स इन माउंटेन्स, ये अपने आप में एक पीएचडी का थीसिस है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कभी कभी आप लोग, हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तब वील डिस्कस दिस, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और आई अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट फुली, आई अंडरस्टैंड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट जितना भी थोड़ा मैं 5% भी समझाऊं, मुझे इतना तो पता लगा है कि इट्स हाईली हाईली कॉम्प्लिकेटेड। एडवांस विंटर स्टॉकिंग है, कितनी और चीजें आपको करनी पड़ती हैं अगर आपको लड़ना है। तो ठीक है, दिस इज वॉट द स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग इज, दैट वी कैन ऑल्सो फेस यू इन द माउंटेन्स।
बिल्कुल ठीक वी विल फेस यू इन द माउंटेन्स। जी मैं सब एक अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने भी अपने जो पहला सवाल का जवाब दिया था उसमें वो बात की जब आपने कहा कि मैं इसका आंसर नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट लेने में शायद उसका मिलिट्री कंपोनेंट बनाने में लेकिन बायलैटरल अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहता है। सो इट मीन्स कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ शाय पार्ट के मतलब एक जिसे ऐसी या कंफ्यूज एक पार है कि उसको किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में अपने अपने जो मिलिट्री कार्ड्स हैं या जो अपने डिफेंस कार्ड्स हैं वो खित्ते में खेलने हैं जबकि खित्ते के अंदर इतनी बड़े पैमाने पे जो है वो डिफेंस के हवाले से प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं मूवमेंट हो रही है जो है जिसे आप कह रहे हैं कि अमेरिकन चाइनीज और सब जो है वो जैपनीज इवन लगे हुए हैं। तो ये जो चीज है कि बायलैटरली इंगेज करना अमेरिका के साथ मिलके मुझे पता है इस तरह की एक जो यही एक्सरसाइज जो है में पिछले साल हुई है तो उसी की एक ये चीज है जो यहाँ पे अभी हुई है इससे पहले भी है 2014-16 में भी हुई। तो आप क्या समझते हैं ये चीज है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज है इंडिया और इसकी शायद ये वजह भी आप समझते हैं कि फॉर इंस्टेंस आप इंडियन आर्म फोर्सेज में जिस तरह फॉर एग्जाम्पल CDS का होना फिर ना होना या डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है जो है वो पॉलिटिकली शायद चीजें जो है वो और एंगल से देखी जा रही हैं और मिलिटरली जो है वो इंडिया की जो अफवाज है उसमें वो सिंक जो लाने की बात की जा रही थी वो सिंक आ नहीं पा रहा। तो इसमें जो है मैं काइंडली थोड़ा सा चीमा साहब मुझे नहीं लगता कि इंडिया इज अ कंफ्यूज पार। मुझे लगता है कि इंडिया इज ऑलवेज ट्रीटेड मिलिट्री एज द लास्ट रिजॉर्ट। जैसे अमेरिका मिलिट्री को फर्स्ट रिजॉर्ट मानता है कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी ये लो हेलफायर मिसाइल। वी आर नॉट लाइक दैट। वी विल गिव डिप्लोमेसी अ चांस एंड हम तो चाहते हैं कि जंग ना हो। पीस लविंग पावर है। हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है वहां तक नेगोशिएट। तो दोस्तों देखा होगा आपने किस तरह से अब चाइनीज बिल्कुल बुरी तरह से बौखला चुके हैं और अब उनके सामने कोई भी सलूशन नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से अब उनकी किरकिरी हो रही है क्योंकि पहले चाइनीज ने ज्यादा बड़कियां मार ली थी अब चाइनीज कुछ कर नहीं पा रहे हैं और एक तरफ ताइवान भी अपना मोर्चा संभाले हुए तैयार है दूसरी तरफ इंडिया और अमेरिका दोनों एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं इसका भी चाइना पर काफी दबाव बन रहा है। तो दोस्तों अब चाइनीज बिल्कुल बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और इस पर पाकिस्तानी मीडिया आए दिन तरह तरह की चर्चा करता रहता है। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद वंदे मातरम।